हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण में। मैं आपके सामने आ गया हूँ एक बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक कर करिए, जैसे कि रोजाना आपको ऐसे नए नए बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी में अभी भी एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 1,005 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इस कंपनी को ये ऑर्डर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज एंड केबल सेक्टर्स के लिए मिले हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर इस कंपनी को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका कंट्री से मिले हैं। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इसकी ऑर्डर बुक बढ़कर 10,000 करोड़ की हो गई है इस कंपनी की अभी तक, इसको यानी इस फाइनेंशियल ईयर में। चलिए आगे बताता हूँ। अभी इस कंपनी का Q2 रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इसका रेवेन्यू ईयरली 3,587 करोड़ से बढ़कर 4,064 करोड़ और क्वार्टरली 3,318 करोड़ से बढ़कर 4,064 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 80.29 करोड़ से कम होकर 55.24 करोड़ और क्वार्टरली 31.02 करोड़ से बढ़कर 55.24 करोड़ हो गया है। आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, ईयरली तो इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है पर क्वार्टरली इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी RPG ग्रुप की कंपनी है, ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस एंड केबल्स के सेक्टर में काम करती है। 110 प्लस कंट्रीज में काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका मार्केट कैप 15,409 करोड़, पीई रेशो 81.99, आरओई 4.89% और डेब्ट टू इक्विटी 1.28 है। इसके MD CEO मिस्टर विमल केजरीवाल है और ये कंपनी 2005 में बनी थी। इसमें प्रमोटर्स का 51.88%, म्यूचुअल फंड्स का 25.06%, FIIs का 11.25%, रिटेल का 10.27% और DIIs का 1.54% स्टेक है। तो इससे जुड़ी नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, कोई शेयर पर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेल्सर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप देख ही रहे हैं आज की भी मार्केट बढ़िया थी। आज जो मार्केट बंद हुई है वो 80-75 पॉइंट निफ्टी 50 प्लस में बंद हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपको इसी हफ्ते के अगले जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में ये सेंसेक्स 20,000 तक पहुंच जाए, नहीं तो अगले हफ्ते में पहुंच जाए। पर अब जो मार्केट है वो प्लस की ही मार्केट है। आज हो सकता है US की जो मीटिंग है, US फेड की मीटिंग है, उसमें कुछ रेट कट्स हो सकते हैं, तो कल जो मार्केट रहेगी। आज इसी चक्कर में मार्केट तो अप थी पर सारे शेयरों में डाउन आ रखे थे जितने भी शेयर थे। तो आज के जो फेड का रिजल्ट आएगा वो कल की मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। तो कल मार्केट फेड का रिजल्ट, रेट अगर उसके फेड के कम होंगे, ब्याज रेट घटेंगी, तो कल की मार्केट और ज्यादा बढ़िया होगी। तो चलिए, मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक बढ़िया और बेहतरीन शेयर लेकर। धन्यवाद।